दोस्तों आज बेल बॉटम की कटिंग बता रहे हैं आपको, बेल बॉटम कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बेल बॉटम कटिंग, बेल बॉटम पैंट कटिंग। ठीक है दोस्तों, ये इसका मेजरमेंट इस प्रकार है, पूरी ऊंचाई 41 इंच है, गिदरी 29 इंच है, 29, कमर 30 इंच है, सीट है दोस्तों 36 इंच, घुटना घेर है 19 इंच, तल घेर है 24 इंच। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन मार लेंगे। ठीक है, सीधी लाइन दोस्तों मार लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सीधी लाइन मार लिया हम एक पहले। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ बॉटम से शुरू कर रहा हूँ, पैटर्न ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया हमारा बॉटम लाइन। ठीक है, इसको मैं 20 इंच कर दे रहा हूँ ऐसे ही, अभी फिलहाल तो कुछ ये नहीं है, एक लाइन मार दे रहा हूँ 20 इंच का। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम और एक लाइन मार लेंगे बॉटम फोल्डिंग के लिए जो होता है, हम करीब यहाँ पे 1.5 इंच का ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 1.5, 1.5 इंच का। ठीक है, ये ले लिया दोस्तों। अब दोस्तों गिदरी है, इनसिम, हमको इनसिम यहां से रखेंगे, यहां से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इनसिम है दोस्तों 29 इंच। अभी देखो यहां से हम एक लाइन उठा के रख रहे हैं 29 इंच पे, 29 प्लस पाव इंच मार्जिन रखेंगे, क्वार्टर इंच, तो 29.25। ठीक है, ये हमारा लाइन देखो आ गया 29 इंच। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां 29 इंच आ गया। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि घुटने का भी लाइन मार ले रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, अब घुटने का दोस्तों कैसा है, देखिए मैं यहां से ये देखिए, ये जो आ रहा है ये सेंटर हो गया, ये जो है अब देख रहे हैं, ये सेंटर हो गया, मतलब यहां से और यहां का बीच का ये सेंटर हो गया। तो मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटर लाइन मार ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये सेंटर हो गया। अब घुटने का लाइन एक्चुअल दोस्तों हमारा ये सेंटर से 2 इंच ऊपर रहेगा, यहां देखिए 2 इंच में टाइप कर दे रहा हूं, 2 इंच ऊपर रहेगा, ये हमारा घुटने का लाइन आ गया दोस्तों ये। ठीक है, हम इसको उड़ा दे रहे हैं, बाकी ये निकाल दे रहे हैं और ये भी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा घुटने का लाइन आ गया, यहां से और यहां का आधा प्लस 2 इंच ऊपर, ये घुटने का लाइन आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसकी लंबाई है 41 इंच, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां से है, ये मेन लाइन है फोल्डिंग का अपना। ठीक है, हम यहां से 49 इंच का एक वापस एक यहां पर लाइन रख रहे हैं, तो उसमें से -1 इंच कर देंगे बेल्ट का हाइट। ठीक है, सॉरी दोस्तों 41 इंच, ठीक है 41 है, तो 41 में अगर 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 40 इंच का। ठीक है, 40 इंच का ये आ गया हमारा लेंथ। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, ये हमारा वेस्ट लाइन है, ये हमारा क्रॉच का लाइन है, थाई का लाइन है, ये नी का लाइन है, ये बॉटम मोरी का लाइन है, ये फोल्डिंग के लिए मार्जिन है। ठीक है, अभी आप समझिए हमने क्या किया है, आप अगर इधर से पकड़ दें तो इधर से भी ठीक है, एक लाइन मार लिया, ये लाइन मार लिया जो रेड शो कर रहा है दोस्तों, फिर सम लाइन मार लिया दोस्तों, ये रेड लाइन शो कर रहा है। ठीक है, ये फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहां से इस यहां से हम फुल लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, यहां पर ये लाइन मारेंगे, उसके बाद
41 इंच लेंथ है, जिसमें से बेल्ट की हाइट माइनस करेंगे 1 इंच और डेढ़ इंच का बेल्ट है, 1 इंच माइनस करेंगे आधा इंच मार्जिन रहेगा। तो ये लाइन मार देगा दोस्तों, देखिए ये लाइन, ठीक है। ये लाइन मारने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम इन सिम का लंबाई मारेंगे, ये यहाँ से फिर हम इन सिम का लाइन मारेंगे, ये यहाँ आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, नी का लाइन मारेंगे। तो नी कैसा है, ये जो शो कर रहा है और फिर ये, इन दोनों के आधे से ऊपर 2 इंच, ठीक है, ये आएगा नी का लाइन दोस्तों। तो इस तरीके से मार दिया, मतलब आपको दोनों तरीका बता दिया, नीचे से और ऊपर से भी, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं इसके आगे का। देखिए दोस्तों, इसका सीट है, सीट है दोस्तों 36 इंच, सीट है 36 इंच। ये देखिए, ये यहाँ पे हम 36 इंच कर रहे हैं, फिर भागे 4 कर देंगे, ठीक है, 9 इंच आ गया। सीट है 36 इंच, भागे 4 करेंगे तो 9 आ गया। और इसमें दोस्तों प्लस आधा इंच और करेंगे तो 0.5 हो गया, 9.5 इंच। हम यहाँ पे 9.5 पे एक लाइन मारेंगे जो हमारा सीट का लाइन होगा, ठीक है, ये हो गया साढ़े, यहाँ से रखेंगे दोस्तों 9.5 इंच, 9.5। देखिए ये हमारा आ गया, इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। खाली आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो ये बहुत आसान है, फार्मूला आपको रखना है बस, ठीक है दोस्तों। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। अब समझ गए, सीट का चौथा भाग ये हमने रख दिया, चौथा भाग प्लस आधा इंच। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि क्रॉच के लिए लाइन मारेंगे दोस्तों, यहां से देखिए ये, ठीक है, देखिए यहां से जो शो कर रहा है, यहां से ये पॉइंट रेड वाला, यहां से क्रॉच का लाइन मारेंगे दोस्तों, कितना रहेगा सीट का, देखिए वो कितना रहेगा, ये हमारा 36 इंच सीट है, ठीक है, सीट का 12वां भाग, भागे 12 करेंगे, ठीक है, तो हो जाता है दोस्तों 3 इंच। इसमें -1 इंच करेंगे, -1 इंच, 2 इंच आ गया दोस्तों। अब हमें क्रॉच के लिए जो एक्स्ट्रा लेंगे दोस्तों, 2 इंच का लेंगे, देखिए यहां से शो कर रहा है, इस लाइन से आपको शो कर रहा है बिंदु कहां से है, ये यहां से लेना है दोस्तों, यहां से हम 2 इंच का, ये देखिए 2 इंच, ये हो गया हमारा 2 इंच, ठीक है। इसको दोस्तों हम यहां पे रख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये एक मार्क हो गया हमारा 2 इंच का। इसको हम कटिंग भी कर दे दोस्तों, इस तरीके से ये हटा दिया, ठीक है, ये हमारा 2 इंच ही हो गया, देखिए ये शो कर रहा होगा दोस्तों 2 इंच का, 2 इंच शो कर रहा है ना रेड का, तो जो लाल लाइन है रेड लाइन, तो 2 इंच शो कर रहा है, ठीक है। और ये कितना शो कर रहा है दोस्तों, सीट का चौथा भाग प्लस आधा इंच, तो 9.5 इंच शो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, ये डिपेंड आपकी लंबाई के ऊपर है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर दोस्तों, ये इस लाइन से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ सीट का 12वां भाग का एक लाइन मारेंगे। तो 36 का दोस्तों, 36 का 12वां होता है, 36 का 12 भाग होता है 3 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 इंच का एक और लाइन मार देंगे दोस्तों, इस लाइन को मैच करके यहाँ 3 इंच की दूरी पे एक लाइन और मार देंगे। यहाँ पे मैं 3 इंच शो कर दे रहा हूँ, 3 इंच, ठीक है, 3 इंच पे हमने एक लाइन मार दी है इस तरीके से। अब क्या करना दोस्तों, देखिए थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, जूम करके दिखाता हूं। तो देखिए ये हमने मार लिया यहां से, यहां पे सीट का 12वां भाग। अब उसके बाद दोस्तों हम यहां पर भी एक बिन एक ये एक
कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था। तो अब यहां से हम जो शो कर रहा है बिंदु, वहां से आधा इंच अंदर से एक लाइन उठाएंगे दोस्तों, 0.5, ठीक है दोस्तों। देखिए लाइन हमने आधा इंच अंदर से, उसके बाद हम क्या करें दोस्तों, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये बराबर इसको काटते हुए यहाँ पे ऐड कर देना है, मतलब लगा देना, देख रहे हैं, बराबर एक लाइन ऐसा मार देना है, देखिए इस तरीके से, समझ गए आप। यहां से जो गैप है ये आधा इंच का लेना है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आधा इंच शो कर रहा है, ये आधा इंच से ये लाइन मारना है दोस्तों, ये यहाँ पे काटते हुए 12वें का जो सीट है काटते हुए सीधा लाइन मार देना, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, ये देख रहे हैं ये जो शो कर रहा है 2 इंच, इसका आधा हम एक और लाइन मारेंगे यहां से, देखिए ये जो ये पॉइंट शो कर रहा है, इसका आधा 2 का हो गया 1 इंच दोस्तों, तो हम 1 इंच का और लाइन मार लेंगे, देखिए 1 इंच यहाँ पे 1.25 दिखा रहा है, तो हमको 1 ही रखना है 1 इंच, ठीक है, ये हो गया 1 इंच। अब यहीं से हम उसको शेप बना देने दोस्तों, देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे लिया, फिर ये यहाँ पे हम आके लाके मिला दिए, देख समझ गया, ये हमारा क्रॉच का शेप हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये जो देख रहा है यहाँ से करीब 0.25 इंच नीचे से लाइन उठाएंगे हम दोस्तों, देखिए यहाँ से वेस्ट का 0.25 इंच, ये कितना 0.48 दिखा रहा है, हमको 0.9 इंच 0.75, ठीक है 0.9 इंच हो गया। और ये कहाँ पे खत्म करना है दोस्तों, सीट का चौथा भाग, वेस्ट का चौथा भाग प्लस आधा इंच, तो दोस्तों वेस्ट है 30 इंच, वेस्ट है 30 इंच, देखिए 30 इंच, 30 का चौथा भाग हो जाएगा 7.5 प्लस आधा इंच करेंगे इसमें 0.5 हो जाएगा 8 इंच। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम 8 इंच कर दे रहे हैं, ये हमारा 8 इंच, देखिए कहाँ पे लाइन चले गया, यहाँ पे आगे लाइन यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया है, देखिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहां से हम लाइन उठा के इसमें मिला देंगे, ठीक है, इस लाइन को हम वापस मार दे रहे हैं यहीं तक, ठीक है, ये मिला दिया हमने दोस्तों, इतना आप समझ गए ऊपर का। ये हमारा फ्रंट का लाइन हो गया दोस्तों, ये जो शो कर रहा है ये और ये, ठीक है, ये लाइन और ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब नीचे आते हैं दोस्तों नी का और बॉटम के लिए, ठीक है दोस्तों, इसमें नी का मेजरमेंट दिया हुआ है 19 इंच, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे पहले हम सेंटर लाइन मार लेते हैं, सेंटर का कैसे निकालना है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक का जो सेंटर आएगा वो सेंटर लाइन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो टूल्स है उसकी मदद से हम देखिए ये लिया और ये लिया, तो ये सेंटर आ गया, देखिए इसमें सेंटर बता दे रहा है, ये सेंटर यहाँ पर है, तो हम यहीं से एक लाइन मार देंगे, देखिए इस तरीके से पूरा ये यहाँ तक, समझ गए, ये देखिए सेंटर हो गया दोस्तों। आगे चल के हम कैट के लिए भी आपको बताएंगे, कैड भी कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर भी हम देंगे आपको, डेमो सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसका भी हम सिखाएंगे, तो आपको इसका भी आइडिया मिलेगा, जानकारी होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमने सेंटर निकाल लिया है, हाँ इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें नी दिया है दोस्तों 19 इंच दिया है, तो
19 इंच दिया हुआ है तो 19 का चार भाग लेना है दोस्तों। पहले तो हम इसको कटिंग कर दे रहे हैं, ये सेंटर पे काट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि ये पॉइंट की इधर है, इस लाइन की इधर ये है, सेंटर लाइन की इधर है, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, 19 का चौथा भाग लेना है। 19 इंच नी है हमारा, तो भागे चार करेंगे हो जाएगा 4.75, ठीक है। 4.75 देखिए यहां से मेजर करेंगे, 4.75 का एक पॉइंट मार ले रहे हैं, 4.75। ये देखो दोस्तों बिंदु शो कर रहा है, हम इसको कट करके निकाल दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, शो कर रहा होगा 4.75, ठीक है। ऐसा इधर भी हम एक चौथे पे मार ले रहे हैं, 4.75, ठीक है। इसको भी हम दोस्तों कटिंग करके निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, नी का चौथा भाग है, ये नी है 19 इंच, तो 19 का चौथा हो जाएगा 4.75, 4.75 इंच, ठीक है। देखिए दोनों सेम सेम आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ बॉटम का बता रहे हैं, बॉटम है इसका दोस्तों 24 इंच है, बॉटम है 24 इंच, तो इसको हम दोस्तों 24 का चार भाग कर लेंगे, ठीक है। बॉटम है 24 इंच, 20 और 4 24 आगे 4 करेंगे हो जाएगा 6 इंच। दोस्तों हम यहाँ पे 6 इंच देखिए, ठीक है, हम इसको 6 इंच पे निशान लगा ले रहे, देखो यहाँ से 6 इंच मापेंगे दोस्तों, ये हो गया 6 इंच, देखो ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ आया 6 इंच हो गया। हम इसको ऊपर से काट के हटा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब इधर भी 6 इंच लेंगे दोस्तों, मतलब बॉटम गियर का चौथा भाग लेना है, ठीक है। यहाँ से 6 इंच लेंगे दोस्तों, 6 इंच अपना कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गया दोस्तों, देखिए बाहर थोड़ा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 6 इंच हो गया, सीधा बाहर ही आ रहा है, उसका दिक्कत नहीं, ये पूरा 6 इंच दिखा रहा है, देखिए दोस्तों 6 इंच इधर थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, फिर से ले ले दोस्तों एक लाइन 6 इंच का, ठीक है, 6 इंच का ये हो गया 6 इंच दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक और फार्मूला इसका ऐसा है, जैसे आप अगर घुटने का मेजरमेंट नहीं रखना चाहते हैं, कितना होगा समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक तरीका है कि आप बॉटम घेर कंफर्म कर लीजिए कितना हमको बेल रखना है, बॉटम घेर रखना है, तो जो भी आप बॉटम घेर रख रहे हैं, मान लीजिए 20 इंच रख रहे हैं पूरा राउंड में, तो ये 20 का चौथा हो जाएगा 5, ठीक है, 20 का चौथा हो जाएगा 5, तो 5 से 1.25 इंच कम, 5 में अगर 1.25 कम करेंगे तो दोस्तों देखिए मान लीजिए 20 रख रहे हैं, तो 20 का चौथा हो जाएगा दोस्तों 5, इसमें से माइनस 1.25 इंच करना है 1.25, तो हो जाता है 3.75 दोस्तों। तो अगर एक ये भी फार्मूला है कि यहां से इसका चौथा भाग से यहां 1.25 इंच कम रखिए, ठीक है, यहां 5 आया तो यहां 4.25 रखिए, यहां 5 आया तो यहां 4.25 रखिए, 1.25 इंच कम, ठीक है। अब दोस्तों हम यहां से लाइन लेके यहां मिला दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से इसमें मिला दिया, फिर इस तरीके से लेके इसमें मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा एंड लाइन है लास्ट का, इसके 0.25 इंच अंदर से हम लाइन मारेंगे, यहां से हम एक मार्क कर ले रहे हैं 0.25 इंच, 0.75, देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, ये हमने मार ले, देखिए छोटा सा शो कर रहा है,
हम यहीं से लाइन उठाएंगे दोस्तों, यहाँ से लाइन उठाएंगे, इसमें लाके मिला देंगे, इस तरीके से मिला दिया, और यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, इसमें लाके मिला देंगे, ये देखिए यहाँ मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ से एक लाइन लेंगे करीब 4.5 इंच पे लाके यहाँ पे, मतलब आपके पास सेव पट्टी होगा, उस पट्टी की मदद से आप इसको सेव कर लीजिएगा अच्छे से, इस तरीके से, ठीक है, उस पट्टी की मदद दोस्तों इसको आप सेव कर लीजिएगा अच्छे से, और ये इसको भी आप सेव कर लीजिएगा, ये देखिए, ये इस तरीके से, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ का लाइन, चलो ये एक्स्ट्रा लाइन भी हटा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फ्रंट तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे एक लाइन मार दे रहा हूँ अच्छे से, देखिए ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। ये देखिए ये फ्रंट तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका हम बैक कटिंग आपको बता रहे हैं, बैक कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, बैक कटिंग बता रहे हैं आपको दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों फ्रंट आपको समझ में आया होगा, हम इसका बैक कटिंग बता रहे हैं। बैक कटिंग में दोस्तों क्या करेंगे, यहां से बॉटम में करीब 1 इंच बढ़ा देंगे लाइन, 1 इंच, सिर्फ 1 इंच, ठीक है, ये हमने 1 इंच बढ़ा दिया, और यहां से 1.25 इंच बढ़ाएंगे, 1.25 इंच, 1.25, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, और यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ाएंगे, सीट का 12वां भाग माइनस 0.25 इंच करेंगे, ठीक है, माइनस 0.25 इंच करेंगे, सीट का 12वां, सीट है 36 का 12वां दोस्तों, सीट है 36 का 12वां होता है 12 भाग 3, इसमें से माइनस 75.75 मतलब 0.25 इंच करेंगे, 75, ठीक है, तो 2.25 होता है, ठीक है, यहाँ पे हम 2.25 रख दे रहे हैं, 2.25, ये 2.25 इंच हमने रख दिया है। अब इस लाइन को दोस्तों हम 1 सेंटीमीटर नीचे उतार लेंगे, 1 सेंटीमीटर करीब करीब 0.38 इंच में, 1 सेंटीमीटर 0.38 होता है, ये 0.38 करीब हम नीचे ले लिए, सेम वही लाइन को। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लाइन उठा के हम इस पे रख देंगे, फिर यहां से उठा के हम इस पे रख देंगे, आप समझ गए, देखिए इस तरीके से रख दिया, और इस लाइन को दोस्तों उठा के वापस यहां रख देंगे, ठीक है, इसको हम निकाल दे रहे हैं ये लाइन को। अब इसको दोस्तों अच्छी तरह से आपका आपके पास फूल पट्टी होगा, उस पट्टी की मदद से इसको अच्छा सा एक शेप दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब बैक का कटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए बैक का कटिंग ऐसा है, पहले तो हम दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मारेंगे, हम यहाँ से एक लाइन उठा ले रहे हैं सीधा जो पहले भी था, ठीक है, एक लाइन सीधा लाइन मारे दोस्तों, सीधी लाइन, समझ रहे, ये सीधा लाइन है, ये तो क्रॉस मारा हुआ था सीधा लाइन, हम क्या करें दोस्तों, यहां से हम सीट का 6वां भाग लेंगे, सीट का 6वां भाग लेंगे, सीट है दोस्तों 36 भागे 6 करेंगे होता है 6, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखिए 6 इंच हमारा कहाँ आ रहा है दोस्तों, जहां पे आएगा हम वहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों,
ये चेंज कर दे रहे हैं इस तरीके से चेंज। देखिए ये हम उसको निकाल दे रहे हैं, चेंज आ गया। देखिए ये चेंज शो कर रहा है, देखिए चेंज शो कर रहा है ना, हमने छह पे एक लाइन मार लिया है। यहाँ से चेंज एक बिंदु मारना है, खाली एक पॉइंट करना है। तो ये पॉइंट को खाली आपको ये करीब करीब यहाँ आएगा, ऐसे हम लाइन मार ले रहे हैं अपने को समझने के लिए, ठीक है। अब समझ गए, ये इस लाइन से और ये दूरी सीट का छठा भाग है, ये जहाँ पे कट हो रहा है यहीं से हमको लाइन मारना है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए और दोस्तों एक लाइन यहाँ मारते हैं, जो हमने सीधा लाइन लिया था इसलिए मार रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये हमारा सीधा लाइन था, एक्चुअल लाइन ये था, हमने इतना तो नीचे लिया था, ठीक है, सेव किया था। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने पौना इंच का डॉट लिया था, यहाँ से लाइन उठाएंगे, फ्रंट में जो पौना इंच डॉट लिया था वहां से लाइन उठाएंगे दोस्तों। इसको काटते हुए, देखो ये जो है इसको काटते हुए हम आगे जाएंगे, एकदम अच्छे से लाइन मारेंगे। और मान लीजिए हम यहाँ तक मार लिए, ठीक है, ये हमारा सीधा लाइन था, छोड़ दिया जो भी आया आने को, ठीक है, यहाँ से उठाया, इसको काटते हुए दोस्तों हम लाइन यहाँ तक मारा। उसके बाद इस लाइन के ऊपर हमको सवा इंच तक बढ़ाना है, सवा इंच तक, तो हम इसको सवा इंच और ले ले, देखिए ये सवा इंच तक, ठीक है, सवा इंच बढ़ा दिया, इसको हम उड़ा दे रहे हैं। यानी मतलब ये दोस्तों इस लाइन तक आपको लाना ही है, ये हमारा वेस्ट लाइन है, इस लाइन से ऊपर सवा इंच बढ़ाना है आपको। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, सवा ये है पौना ये है, मतलब करीब करीब दो इंच हो गया यहां से अगर बढ़ाएंगे आप, समझ रहे, अगर इस लाइन से बढ़ा रहे हैं इस ऊपर तो दो इंच हो जाएगा। लेकिन हमको ये तो हम कितना भी नीचे ले सकते हैं, जो भी है आधा इंच पौना इंच कहने मतलब, लेकिन अपने को ये लाइन पे ध्यान रख के ये लाइन बढ़ाना है, ठीक है, सवा इंच बढ़ाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इस लाइन को हम निकाल दे रहे हैं जाने देंगे, ठीक है। अब यहीं से हमको सेप दे देना है पैक के लिए दोस्तों, यहाँ हम रख दे रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप सेप दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट का चौथा भाग प्लस डेढ़ इंच करना है, तो सिर्फ वेस्ट है दोस्तों 30 इंच भागे चार करेंगे तो 7.5 में प्लस डेढ़ इंच करेंगे 0.5 हो गया 9 इंच। तो हम यहाँ पे दोस्तों 9 इंच पे एक लाइन मार ले रहे हैं, 9 इंच का, ये देखिए ये 9 इंच, 9 इंच, 9 इंच ले लिया, 9 इंच, ठीक है, ये लाइन आ गया दोस्तों, ये लाइन हो गया। अब हमको दोस्तों इसको भी निकाल देना है, ये जहां पे हम कटिंग कट किए हैं यहाँ से एक लाइन मारेंगे, ये लंबाई कितना रहेगा, ये जो लाइन मार रहे दोस्तों ये कितना रहेगा, आपको मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला कैसा है दोस्तों, यहाँ से लेंगे, इसका फार्मूला ऐसा है दोस्तों, देखिए ये सीट कितना है 36 इंच, ठीक है, सीट है 36 इंच भागे दो कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे, आधा हो गया 18 इंच, इसमें प्लस डेढ़ इंच करेंगे, प्लस डेढ़ इंच करेंगे, डेढ़ 19.5 हो गया, 19.5 हो गया। अभी जो फ्रंट का आया है दोस्तों, ये जो शो कर रहा है फ्रंट का लाइन, ये यही कितना है, इसको हमको माइनस कर देना है। तो ये दोस्तों 9.5 इंच था, ठीक है, ये 9.5 इंच था, तो हमको इसमें से माइनस
9.5 इंच कर देंगे, बचता है 10 इंच। ये जो लाइन अब हम मार रहे हैं ये 10 इंच का मारेंगे दोस्तों। जहां भी हमारा 10 इंच आएगा हम वहां इसको देखिए 10 इंच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इतना थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं से लेके इसमें मिला देंगे, देख रहे हैं इसमें मिला दिया। अब इस लाइन को वापस हम लाके यहीं कहीं मिला देंगे, ये आप समझिए। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों, देखिए बैक का लाइन ये सब बैक लाइन हो गया दोस्तों। अब सीट का हम आपको मेजर के बताते हैं, सीट है 36 इंच, ठीक है। तो ये कितना है सीट आपको मेजरमेंट कर रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों 9.5। फिर एक बार और 9.5 का हो गया 19, और इस ये बैक के लिए दोस्तों एक बार किया 29, एक बार और, ठीक है, दो बार ये मापा हो गया 39 इंच। इसमें दोस्तों माइनस 3 इंच करेंगे, सब मार्जिन जाएगा यहाँ का यहाँ का यहाँ का। तो इसमें अगर 39 है हमारा कच्चा आया है दोस्तों, 39 माइनस 3 इंच करेंगे 36 इंच आएगा दोस्तों, करीब करीब 3 इंच मार्जिन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दोस्तों 36 इंच सीट शो कर रहा है मतलब, ठीक है। इसको हम दोस्तों आप समझ गए इसका फॉर्मूला, इसको हम आपको कट कर दे रहे हैं। ये तो हमने ड्राइंग बनाया था, इसको तो कैसे अलग अलग कर देंगे हम, पहले हम बैक अलग कर ले रहे हैं इस तरीके से, देखिए ये हमारा बैक अलग हो गया दोस्तों। फिर अब फ्रंट को अलग करते हैं, ठीक है, ये आप फ्रंट को भी अलग कर लिए दोस्तों, देखिए तरीके से हमारा ये बैक है दोस्तों, ये फ्रंट है। ये तो हमने मेजरमेंट जो था उसके हिसाब से बना दिया दोस्तों, आपका जो मेजरमेंट होगा आप उसके हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बेल बॉटम कटिंग का आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसका दोस्तों पैटर्न भी कट, ये तो पैटर्न ही ड्रॉप्ट हो गया, कटिंग हो गया, ठीक है। तो ये फ्रंट है, ये बैक है।